चलिए इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x² - 5x + 3, इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं कि कैसे इसके मैं रूट्स निकाल सकता हूं, इसके दो वैल्यू निकाल सकता हूं। दोनों तरीके से करेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे और एक मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। तो पहला जो मेथड है इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, x² - 5/2x + 3/2 = 0। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये 5/2 को हम 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, और या आप ये बोल सकते हो कि सो हम इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको हम 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। मैंने कहा कि जब भी कभी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, जब भी कभी आप किसी भी नंबर को होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, अगर मुझे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सपोज मैं एक नंबर का स्क्वायर बनाना चाहता हूं, जैसे एक सामने नंबर ले लिया मैंने 2ab ले लिया, मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, मुझे इस नंबर का होल स्क्वायर बनाना है, इसमें क्या ऐड करूं, कैसे पता चलेगा कि इसकी सेकंड डिजिट क्या है या सेकंड वैल्यू क्या है जिसके साथ ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन बन जाए, a + b का होल स्क्वायर बन जाए, तो कैसे पहचानेंगे। यहां पर देखिए बी स्क्वायर है, एक तो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट यहां से देखना, इस बी का कोफिशिएंट क्या है, इस बी का कोफिशिएंट है 2a, इस 2a को क्या करना पड़ेगा, इसका आधा कर दो, इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए यहां 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी, a बच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर बचेगा a, आगे हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा डिजिट क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहां पर क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे, इसका हाफ बना देंगे। अगर हाफ बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/4 हो जाएगी। 5/4 एक बार इसमें ऐड करेंगे और एक बार माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। लेट सी, 5/2x² इधर हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, फिर एक बार माइनस रख देंगे, इधर प्लस रख देंगे, एक बार माइनस रख देंगे, 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 = 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू a है और ये b है, माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे, सबको इधर लेकर चले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, x - 5/4 पूरा होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे 16 और ये हो जाएगा 25 - 8 = 24 = 0। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 5/4 = 1/16। इसके ऊपर अंडर रूट 1/16, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, +1/4 = 5/4 - x। मैंने आपको बताया था कि इसकी दो वैल्यू निकल कर आती है, जैसे कि आपके सामने दे रखा है, एक बार प्लस की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस की आएगी, एक बार इसको प्लस के साथ रख देंगे, एक बार माइनस के साथ रख देंगे, x - 5/4 = +1/4 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 5 - 4 = -1/4 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे, x = 1/4 + 5/4, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6/4, काट देंगे 3/2, एक वैल्यू तो कितनी आ गई, 3/2 आ गई, दूसरी वैल्यू इधर लेकर आएंगे -1/4
प्लस 5/4, इधर कितना बचेगा 4/4, कैंसिल आउट कर देंगे एक वेरिएबल। इसका मतलब है x की दो वेरिएबल आई और x की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू क्या आई 3/2 और दूसरी वैल्यू आई 1, दूसरी वैल्यू क्या आई 1 आई। यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। यहां मैंने वो रफ कर दिया था, देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।